अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी। तो यहाँ पे ली हूँ मैंने 6 अंडा, मगर बाद में और 2 डाल दूँगी, 8 अंडा की भुर्जी बनेगी। और कांदा ली हूँ मैंने, और कोथमीर ऊपर से डालने के लिए, और टमाटर और हरी मिर्च, साथ में हल्दी और नमक। थोड़ा कैमरा इधर उधर भाग रहा है और फिर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है इसलिए। और साथ में मैं अभी यहाँ पे रख दी हूँ चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन, और इसमें डाल दी हूँ तेल, और बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, आप लोग को पता है मैं मीडियम ही डालती हूँ तेल। और इसमें फिर डालूँगी कांदा, तेल गरम हो गया है हल्का। कांदा थोड़ा सी बचा लूँगी, बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए, और कांदे को करूँगी फ्राई। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ऐसा कच्चेपन में ही वो कर देना, कच्चे पक्के के ऊपर आ जाएगा ना तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे बने रहिए। और कांदा डालने के बाद इसको मैं अच्छे से नीचे ऊपर कर रही हूँ, और इस तरह से भुर्जी बनाकर देखना कैसा लगता है, ज़रूर बताना मुझे। और कांदा जब अच्छे से मतलब कच्चे पक्के के ऊपर आ गया है, कच्चेपन से मतलब हटके सॉफ्ट एकदम हो जाता है ना, जब भी मैंने फिर इसमें मिर्ची डाली हूँ ताकि मिर्ची भी इसमें आधी फ्राई हो जाए, तो अच्छा लगता है जब मिर्ची भी फ्राई होती है इसके अंदर। तो और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और कांदा और अच्छे से भुन गया है और अच्छे से फ्राई हो गया है मतलब, तो हल्का हल्का ब्राउन होने पे आता है ना, उस टाइम पे अभी मैं उसको हिला रही हूँ। और हिलाने के बाद अभी इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी वगैरह, तो इसको हो गया है, कांदे को बता रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने डाल दी हूँ टमाटर, टमाटर को अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद में डालूँगी इसमें हल्दी और नमक। और ये सारा चीज़ फास्ट पर ही करना है, स्लो पे करेंगे तो टमाटर पानी छोड़ देगा, क्योंकि हमको टमाटर की चटनी नहीं बनाना है, उसकी भुर्जी बनाना है, तो इसीलिए इसको फास्ट पे ही बनाएंगे, तो इसका पानी सूखते रहेगा और टमाटर पकते रहेगा। तो इसमें मैंने डाल दी हूँ हल्दी, आधा चम्मच से भी कम हल्दी है, और नमक भी आधे चम्मच से कम ही है, बाद में लगेगा तो मैं डालूँगी इसमें ऊपर से। शुरू में मैं नमक थोड़ा ऐसा संभाल कर ही डालती हूँ, फिर जब मुझे ऐसा लगता है खुशबू में कि हाँ नमक कम है तो फिर मैं डालती हूँ, और जब बिल्कुल समझ में नहीं आता है तब मैं उसको थोड़ा चख लेती हूँ और फिर देखती हूँ, फिर डालती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ हल्दी और नमक टमाटर को, और उसको भून लेंगे। और ये भुर्जी बहुत टेस्टी बनी थी, इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, और कैसा बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, और मिक्स करने में कोई भगा नहीं रही हूँ, नॉर्मली मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा भगा के दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा, और ये टमाटर भी अच्छे से गल गया है, इसीलिए इसमें देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा तेल दिख रहा है। और साइड में हमारा दाल चावल वगैरह बन रहा था, और ये अच्छे से हिला ली मैंने, और उसको और अच्छे से भून लूँगी, और सारा प्रोसेस फास्ट पर ही होगा। और तेल कम होने की वजह से देख रहे हो ना नीचे कैसा उस पर लगने के लिए आ रहा है,
मगर वो जल नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा ऐसा टच होता है क्योंकि मसाले हम डाल देते हैं ना, तो उसके बाद तल पे लगने लग जाता है नीचे, क्योंकि तेल कम है उसमें, और जल नहीं रहा था वो। और उसको अच्छे से मिक्स कर लिए, अच्छे से भुनेंगे। और थोड़ा सी मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें नमक डाल दी हूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और इसको अच्छे से भून रही हूँ मैं, अच्छे से टमाटर कांदा सब एक खट्टा ऐसा एकदम मिक्स कर दी हूँ और अच्छे से गला दी हूँ सबको। और फिर इसमें डाल दूँगी हमारे अंडे, मुर्गी के अंडे जो है, 6 अंडे दिखाई थी, बाकी मैंने और 2 डाली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा कम है अंडा, तो इसलिए मैंने और 2 डाल दी थी बाद में। तो सारे अंडे फोड़ के डाल दूंगी मैं ऐसे ही। और अभी 4 अंडे फोड़ के डाली हूँ मैंने, और ये 5वां अंडा है। और ये जो खड़खड़ कर रहा है मेरा बेटा कर रहा है जानबूझ के, क्योंकि जब भी मैं आवाज़ देने बैठती हूँ तो ऐसा उन लोगों को नाटक आता है कभी कभार, देख रहे हैं कि मम्मी आवाज़ दे रही है फिर भी। तो बड़े हो गए, बाकी नादानी गई नहीं है वो वाली बात है। और यहाँ पे मैंने सारे अंडे डाल दिए, अभी इसको मिक्स करूँगी। और अंडे का एक बारीक सा टुकड़ा मतलब रहता है ना उसका ऊपर का छिलका, तो वो गिरा था, उसको फिर मैंने निकाल दी। और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल वगैरह फोड़ दे रही हूँ मैं, क्योंकि बिल बिल ऐसा मुँह में आती है इतना खास नहीं लगता है, इसलिए उसको थोड़ा फोड़ के मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करके 2-3 मिनट ऐसा छोड़ दूंगी तो वो अंडा पकने के लिए आएगा, तो अच्छे से फिर मिक्स होएगा। तो देख रहे हो अंडा हमारा पक रहा है, एक खट्टा हो जा रहा है लिक्विड से। अब मैं इसको हिला रही हूँ अच्छे से, और ये मैं रात के 12:30 बजे आवाज़ दे रही हूँ क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोची चलो अभी आवाज़ वो करके फिर वीडियो को सेव कर लेते हैं, लाइव कर देते हैं। तो ऐसा तो इसको मैंने अच्छे से हिला ली हूँ, और अंडे को थोड़ा टाइम अभी पकने दूँगी, 2-5 मिनट मतलब, फिर उसको हिलाऊँगी। फिर उसमें मतलब अंडा भी डाल दूँगी 2 इस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अंडा कम है। मैं कभी भी भुर्जी में ना अंडा ज़्यादा रहता है मेरे, तो इसीलिए। और मैंने फिर 2 अंडा और डाल दी और फिर उसको अच्छे से पका लिया। कि कांदा मैंने एक्स्ट्रा ही काटी थी, अगर वो कांदा भी डाल देती तो मुझे और 2 अंडा डालना पड़ता, ज़्यादा भुर्जी हो जाती थी। फिर भी 8 अंडे की भुर्जी बनी है, बहुत सारी बनी थी।
अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि बाकी सब तो अंडा अच्छे से पक गया था, ये ही नहीं पका है, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी ना, तो ये भी दो अंडे फटाफट से भुर्जी में पक जाएंगे। तो ये मिक्स हो गया है, और इसमें अब ऊपर से डाल दूंगी हमारी कोथमीर। जो कोथमीर डालने के बाद चीज़ अलग ही हो जाती है, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, उसका देखने का लुक भी बदल जाता है, खूबसूरत लगने लगता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि हमारी भुर्जी हो गई है तैयार। और मैंने इसमें कोई लाल मसाला वगैरह नहीं डाली हूँ, लाल मसाले वाले भी बनाती हूँ भुर्जी नेक्स्ट टाइम पे, इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए ये और जो रोड पे भैया लोग बनाते हैं उस स्टाइल में भी बनाती हूँ मैं, तो वैसा भी कभी बनाएंगे हम और दिखाएंगे। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि तैयार हो गया यहाँ पे हमारा अंडा भुर्जी, और हमारा ये कैमरे का स्टैंड हिल गया था, होते रहता है ऐसा क्योंकि बाजू में स्टैंड है। तो आप लोगों को ये मेरी भुर्जी का रेसिपी कैसा लगा अंडा भुर्जी तो ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो एक बार अपने घर में ज़रूर बना के देखना इस तरीके से, और जब बनाएंगे तो मुझे बताना ज़रूर मेरे इंस्टा पे कमेंट करके या इस पे भी आकर। तो अगर अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और मेरा ये चैनल नया है सलमा खाना खजाना व्लॉग, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए जाना याद से, और हम सबको दुआओं में याद रखना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।